मेरे रिसेंट ब्लॉग्स आप उठा के देखो तो उनमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई। मेरे लिए वो बहुत थोड़ी सी ट्रैवलिंग है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए वो बहुत ट्रैवलिंग है। या मेरे कोई दोस्त हैं तो मेरी फैमिली कहती है कि तुम इतना घूमते हो, हमें क्यों नहीं लेके जाते। तो आज मैंने अपनी फैमिली को रेडी किया, मैंने कहा आप लोग तैयार हो, मैं आज आपको घुमाने लेके जाऊंगा। मैंने वैसे बोला था कि आप लोग सिर्फ तैयार होते हो तो मैं आपको नारायण भी लेके जा सकता हूँ। नारायण के लिए वो लोग रेडी नहीं हुए तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको यहीं पर कहीं लेके जाता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ठनियानी विद माई फैमिली एंड माई रिलेटिव्स। यार प्लान हमारा सुबह का बना था कि हम सुबह निकलेंगे, अभी 12:30 बज रहे हैं। अब मुझे नहीं पता हम कब घर से निकलेंगे और कब हम ठनियानी पहुंचेंगे। ये अभी ठंडियारी के रास्ते हैं आप लोग, और वाकई में यार ठंडियारी बड़ी हाइट पे है, 20 फीट के ऊपर जा रही है, सिर्फ धक्का लगाने के लिए नीचे उतरे थे हम लोग। हम लोग ठंडियारी पहुंच गए, लेकिन यार यकीन करो ठंडियारी आना ना टाइम ज़ाया करना, यकीन मानो इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इधर पहाड़ है बस। यार ठंडियानी में करने को कुछ तो है नहीं है, लेकिन फिर हॉर्स राइडिंग ही कर रहे हैं अभी, तो खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया अभी, तो अभी देखते हैं क्या ठंडियानी के बाद अगर कुछ प्लान बने तो फिर वो कर लेंगे। यार ये ठंडियानी है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, बस सामने ये व्यू है, ये सारा यहाँ पे खाने पीने की जगह है, ये सामने ठंडियानी है हमारे सामने, बस ये सारा व्यू है, सारा जंगल है, यहाँ पे घूमने की कोई जगह नहीं है। ठंडियानी सिर्फ एक जगह पे अच्छी लग सकती है ड्रोन शॉट्स में, क्योंकि ड्रोन ऊपर जाता है सारा जंगल आपको नजर आएगा, बाकी क्या दिखाऊँ यार यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो घोड़ा हॉर्स राइडिंग थी वो कर लिया मैंने। यार हम लोग ठंडियानी गए थे, लेकिन ठंडियानी में सच्ची बात तो कुछ भी नहीं है, तो अगर आप लोग ठंडियानी आने का सोचो तो ठंडियानी इतने की मज़े की जगह नहीं है। खैर ये अभी वाटरफॉल हमें नज़र आया था, तो अभी हम लोग जैसे डिसाइड किया कि हम लोग इससे गली जा रहे हैं, लेकिन अभी एबटाबाद जाके पता चलेगा कि इससे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, तो आई टेल यू लेटर। ओके ये रैन किधर बैठ गई है? ओए ये डक पे बैठी है, मुझे को पिक्चर बनाए रैन, ये डक पे बैठी है, ये कौन है रैन बनाए। यार उस दिन तो मौत का कुआं पॉसिबल नहीं था देखना, लेकिन आज हमने देखा है यार, लेकिन लिटरली वहाँ पे देखे तो यार लोग रिस्क कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। हमें देखो यार, अल्लाह का शुक्र है हमें बना बना मिलता सब कुछ, तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। खैर बस अभी हम घर वापस जा रहे हैं, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। रैन बोलो बाय बाय, बोलो बाय बाय, फिर मिलेंगे, बोलो बाय बाय, बाय बाय करने को इधर, बाय बाय करो, बाय बाय, कल के व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो देख के यार थोड़ा वो पता नहीं, मैं अब अल्फाज भी मैं नहीं ना ले सकता।